सुबह सुबह बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट निक्की तंबोली की खबर सुनकर हर किसी को झटका लग गया। तो सोचो उनके सामने खड़ी रुबीना दिलाय का क्या हाल होगा जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से निक्की के पेट पर नजर डाली। सुबह सुबह निक्की अपने पेट पर हाथ फिराती दिखी, छुपाती दिखी, पेट को छूते हुए अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी। रुबीना ने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी नाभि पर छेद है। ये बात सुनते ही रुबीना का चेहरा देखने लायक होता है। जी हाँ, निक्की तंबोली अपनी नाभि की पियर्सिंग को लेकर बात कर रही थी। बेशक नेबल पियर्सिंग स्टार्स के लिए फैशन है, लेकिन रुबीना एक एक्ट्रेस होकर भी अपनी बॉडी को इतना पेन नहीं पहुंचा सकती, इसलिए वो नेबल पियर्सिंग की खबर सुनकर चौंक गई। और जब निक्की ने अपनी नेबल पियर्सिंग को लेकर दर्द सुनाया तब तो रुबीना के होश ही उड़ गए। निक्की गार्डन एरिया में बैठकर अपनी नाभि पर हाथ फेर रही होती है और कहती है कि मुझे दूसरा रिंग पहनना है। रुबीना कहती है कि बहुत दर्द हुआ होगा। इस पर निक्की कहती है कि नहीं, अब तो पेन नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने नेवल पियर्सिंग करवाई थी तो उसके 8 महीने तक वो दर्द से तड़पती रही। रुबीना के होश उड़ जाते हैं कि कोई अपने शौक के लिए 8 महीने कैसे दर्द सह सकता है। निक्की को शुरू से ही नेवल पियर्सिंग का शौक था, उन्होंने अपने शौक के लिए 8 महीने दर्द सहा। रुबीना के रोंगटे खड़े हो जाते। वो कहती है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। निक्की ने बताया कि वो तो हर हफ्ते या महीने नाभि की रिंग को चेंज करती हैं। आपको बता दें, इस सीजन में सबसे ज्यादा खूबसूरत कंटेस्टेंट रुबीना ही बताई गई। इतना ही नहीं, स्टार्टिंग में अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जब उन्हें मेकअप का सामान नहीं दिया गया था तो वो लड़ती भी देखी गई थी। रुबीना ही घर में सबसे ज्यादा स्टाइलिश और लाजवाब ड्रेसिंग में नजर आती हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस की कई गेस्ट तारीफ भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, घर वालों ने भी रूबी के ड्रेसिंग सेंस की तारीफ की थी। ऐसे में वो कुछ भी शौक नहीं करना चाहती जो उनकी खूबसूरती में दर्द पैदा करे। रुबीना टैटू बनवाने से भी डरती हैं। वैसे तो टैटू और पियर्सिंग तो स्टार्स का सबसे बड़ा शौक होता है, क्योंकि टैटू और पियर्सिंग से ही स्टार्स लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन रुबीना इस दर्द को नहीं सह सकती। वैसे आप निक्की की इस पियर्सिंग पर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट करके जरूर बताएं। रुबीना के दिल में राखी के लिए जो जगह सिर पर थी वो अब पैरों के नीचे आ गई है। सही भी है, जब किसी पत्नी के सामने उसके पति को गाली दी जाएगी, उसके पति को गंदे शब्द बोले जाएंगे, तो बोलना तो छोड़ो, वो पत्नी शायद उस शख्स का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगी, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसा ही कुछ इस वक्त बिग बॉस के घर में रुबीना और राखी के बीच देखने को मिला। आपने भी देखा, राखी अभिनव को खूब फ्लर्ट करती हैं, उनके पीछे पागल बनी हुई हैं। लेकिन रुबीना अभिनव दोनों राखी को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि राखी ऐसे ही एंटरटेन करती हैं और वो दिल की बहुत साफ हैं। लेकिन रुबीना ने यहीं पर बड़ी गलती कर दी कि वो राखी को समझ नहीं पाई। जी हाँ, जो रुबीना राखी को सीधा समझती थी वही राखी उनके पति को नल्ला बोलती हैं। ऐसा खुद एक यूजर ने जनता के सवाल में राखी से पूछा तो रुबीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो राखी से इतना नाराज हुई कि उनसे बात करना भी ठीक नहीं समझ रही थी। इतना ही नहीं, रुबीना ने उसी दौरान राखी से कह दिया कि अब तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है और मेरे पति से दूर रहो। ये सब अभिनव देख रहे थे। बावजूद अभिनव राखी को समझाने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम उसे एंटरटेन करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नल्ला जैसा शब्द तुम मेरे लिए इस्तेमाल करो। राखी और अभिनव को एक साथ बात करते रुबीना भी परेशान हो जाती है। वो इतना इरिटेट हो जाती है कि आउट होने की बात कहने लगती है। इतना ही नहीं, राखी ने विकास गुप्ता से भी रिश्ते खराब कर लिए। विकास गुप्ता जो राखी के भाई माने जा रहे थे, अभिनव के चक्कर में उन्होंने विकास गुप्ता से भी लड़ाई कर ली। हालांकि बाद में राखी विकास एक दूसरे को माफी देते नजर आए। राखी को विकास से लड़ाई करके बाद में पछतावा हुआ तो वो रात के अंधेरे में ही विकास के पास जाती हैं और उन्हें किस करती हैं, उनसे माफी मांगती हैं। तब विकास उन्हें समझाते हैं कि अभिनव तुम्हारे लिए अलग है और मैं तुम्हारे लिए अलग हूँ, मैं भाई हूँ। राखी भी कहती है कि शायद बिग बॉस के गेट के बाहर मेरा और अभिनव का कोई रिश्ता ना हो, लेकिन तुम मेरे भाई हमेशा रहोगे।
वैसे आपको क्या लगता है, राखी का गेम अब डाउन होता जा रहा है? जो राखी स्टार्टिंग में खूब एंटरटेन कर रही थी, लेकिन रुबीना अभिनव के चक्कर में वो डाउन होती जा रही है। क्या सोनाली फोगाट के बाद अगला नंबर राखी सावंत का ही है? कमेंट करके जरूर बताएं। राखी अभिनव के लिए पागल होती जा रही है। उन्होंने अभिनव को इस तरह से पकड़ा हुआ है जैसे गुड़ में चींटी चिपकती है। लाइमलाइट के लिए राखी के पास अभिनव को रिझाने का सबसे बढ़िया मुद्दा मिल गया है, लेकिन कहीं ये मजाक सच ना हो जाए, इसके लिए रुबीना को डर सताने लगा है। वो भी अब राखी से चिढ़ने लगी है। पिछले टास्क में आपने देखा होगा जिसमें राखी और अर्श की दो टीमें होती हैं, लेकिन राखी अभिनव के लिए टीम तक बदल देती हैं और वो अभिनव की टीम में आ जाती हैं। ये सच में राखी नाटक कर रही हैं या फिर वो सच में अभिनव को पसंद करने लगी हैं, वो तो वही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं रुबीना को अब डर सताने लगा है। तभी वो राखी के बारे में अभिनव से बात करती देखी गई। दरअसल किचन एरिया में खाना बनाते वक्त रुबीना अभिनव से कहती हैं कि उसके ऊपर प्यार का भूत सवार हो गया है, पागलों वाली हरकतें कर रही है तुम्हारे लिए, कभी जूली बनेगी तो कभी मांग भरेगी। अभिनव रुबीना की बातों पर हंसते हैं और राखी की तरफ देखते हैं तो राखी बेडरूम में अकेली लेटे हुए अभिनव को निहारती जाती हैं। वो अभिनव को फ्लाइंग किस करती हैं। इतना ही नहीं, राखी अकेले में बात करती हैं कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, हे गॉड मेरी मदद करो, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे जिसमें खुशी मिलेगी मैं वही अब काम करूंगी। मतलब राखी अभिनव के लिए पूरी तरह से पागल होती जा रही है। वही रुबीना भी अभिनव को राखी से दूर रखने लगी है। कहीं इनका मजाक रुबीना अभिनव की शादीशुदा जिंदगी पर महंगा ना पड़ जाए। ऐसे में अगर बिग बॉस ने राखी को आउट नहीं किया तो मामला सीरियस हो सकता है और फिर से बिना वजह रुबीना अभिनव की लड़ाई हो सकती है। वैसे आपको राखी का ये पागलपन कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। रुबीना दिलैप को लोग बिग बॉस 14 का विनर बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि रुबीना में वो काबिलियत है, वो खासियत है जो दूर से ही दिखती है, वो वाकई में जीत के लायक है। कहीं ना कहीं घर वालों को भी ये बात पता चल चुकी है कि रुबीना को बिग बॉस 14 विनर बनाएंगे। ऐसे में घर वालों ने रुबीना को तंग करना शुरू कर दिया है, उन्हें खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया है, उन्हें अनाप शनाप शब्द बोले जा रहे हैं, इतना मजबूर किया जा रहा है कि रुबीना खुद बिग बॉस छोड़कर भाग जाएं। लेकिन रुबीना की ढाल बनकर खड़े उनके पति उन्हें हर कदम पर विनर बनने का हौसला दे रहे हैं। देखिए, जब घर वालों ने रुबीना को आउट करवाने में पूरी ताकत लगा दी, तब अभिनव ने ही रुबीना को समझाया और उनके आंसू पोछे। दरअसल एक वीकेंड में देखा जा रहा है कि सलमान खुद रास्ते के कांटे वाले टास्क से जानते हैं कि कौन किसे हटाना चाहता है। एजाज, राखी से लेकर राहुल तक ने रुबीना को रास्ते का कांटा बताकर नॉमिनेट किया, लेकिन इस वक्त रुबीना के सबसे करीब निक्की तंबोली दिखी। निक्की तंबोली ने रुबीना का साथ दिया और उनके पति तो हमेशा ही उनके साथ है।